जन्म कुंडली विश्लेषण। एक जमाना था जब मनुष्य की इच्छाएं रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित थी। वो उसी में खुश रहा करता था और संतुष्ट भी रहता था। आज के इस बदलते हुए परिवेश में इंसान संतुष्ट नहीं है। संतुष्टि नहीं होने का मुख्य कारण इच्छाओं का अनंत होना है। रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा आज उसे लग्जरियस कार चाहिए, घर में एसी होना चाहिए, बड़ा बंगला हो तो बहुत बढ़िया है, धन दौलत होना चाहिए, फॉरेन ट्रैवल होना चाहिए, दोस्त यार, हाईटेक जिंदगी, हाईटेक गैजेट्स के साथ जिंदगी चलनी चाहिए। पहले पति अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहा करता था। आज का हमारा कुंडली विश्लेषण अलग है। आज मैं एक 34 साल और 8 माह के पति की कहानी आपको बताने जा रहा हूं। इनके आसाम और दार्जिलिंग में चाय के बागान हैं। काम की अधिकता और वर्क प्रेशर के बोझ के कारण वो वहां अपने बागान में ज्यादा बिजी रहते थे और साल में 3 या 4 बार ही अपने घर लखनऊ आया करते थे। क्योंकि चाय बागान में अधिकतर महिलाएं काम करती है, एक महिला जो इनके बागान में काम करती थी, शायद वो खूबसूरत होगी, इनको पसंद आ गई होगी, उसके साथ इनके अनैतिक संबंध बन गए। इस बात का पता धीरे धीरे चलने लगा पत्नी को। और वैसे भी पति अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है या नहीं करता है, या दाल में कुछ काला है, ये पत्नियों को बहुत आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि उनके अंदर भगवान ने नारी की शक्ति, सब पता है उनको। अब जब ये बात पुख्ता हो गई कि मेरे पति का कहीं और अफेयर चल रहा है, तो पत्नी का बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ और अभी बच्चों के साथ अपने मायके लखनऊ चली गई है। पति का अपनी गलती का जो एहसास हुआ, उसे स्वीकार किया, कई बार माफी मांगने के बाद भी इनकी पत्नी वापस घर नहीं आ रही है। पति मुझसे जानना चाहते हैं कि क्या उनका ये वैवाहिक संबंध बचेगा और पत्नी कब तक वापस आ सकती है। और दूसरी समस्या ये है कि जिसके साथ इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, अब वो इनसे 1 करोड़ रुपया पीछा छुड़ाने का मांग रही है। तो आइए जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं, पहले पति का, फिर पत्नी की कुंडली, और फिर निष्कर्ष और उपाय के साथ इस कहानी का अंत करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पति की कुंडली के बारे में। इस वक्त यह कुंडली आपके सामने, देखिए 4 नंबर से शुरू होती है, जिसे हम कर्क लग्न की कुंडली कहते हैं। देखिए लग्न में राहु विराजमान है, जो इंसान को चैतन्य, प्रभावशाली व्यक्तित्व देते हैं, यानी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी देते हैं। चेहरे पर एक अलग तरह का ओज, तेज और एक, जैसे कहते हैं कि देखते ही इंसान इंप्रेस हो जाए, ऐसी पर्सनैलिटी देता है। विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, लेकिन लग्न में राहु इंसान को अनैतिक काम, झूठ बोलना तथा लोगों को ठगना जैसे काम भी करवाता है। वहीं लग्न में राहु की मैरिटल लाइफ के 7th हाउस पर दृष्टि के कारण अधिकतर लोगों का दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब ही रहता है। देखिए 4 से 10 की तरफ कह रहे हो, जहां केतु विराजमान है, तो ये राहु वैसे भी डैमेज, पर्सनैलिटी अच्छी देता है, लेकिन खुद एक मैलाफाइड प्लैनेट है। आगे बढ़ते हैं। धन भाव में देखिए, जहां चंद्रमा और मंगल विराजमान है 5 नंबर में, उसमें पंचमेश और कर्मेश मंगल विराजमान है तथा परम मित्र सूर्य की राशि में लग्नेश चंद्रमा के साथ विराजमान होकर अति सुंदर धन लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहा है, महालक्ष्मी योग बना रहे हैं, जिससे इंसान बुद्धि और अपने मिले हुए ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए धन कमाता है और लग्जरियस जीवन भी जीता है। लेकिन यही चंद्र मंगल की युति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करवाती है, लेकिन ध्यान रहे सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। वरना अभी आप लोग अपने पति और पत्नी की कुंडली इस वक्त चेक कर रहे होंगे और फिर झगड़ा करना शुरू हो जाएंगे। ऐसा एक पॉइंट से नहीं कह सकते कि इसी वजह से ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। राहु ने भी अपना काम किया, चंद्र मंगल भी अपना काम करे। बढ़ते आगे, धनेश सूर्य, देखिए 2nd हाउस के लॉर्ड सूर्य बनते हैं, वो पंचम भाव में, जहां पर 8 नंबर लिखे हुए हैं, और पंचमेश मंगल धन भाव में विराजमान होकर परस्पर सूर्य और मंगल का परिवर्तन राजयोग बन गया। इससे इंसान अपनी आजीविका के लिए जन्म स्थान से दूर रहकर दूसरे प्रदेश, दूसरी कंट्रीज में अच्छा खासा धन कमा लेता है। व्यक्तित्व का विस्तार भी बाहरी स्थानों में ही संभव हो पाता है। बढ़ते आगे, मेरे 4th पॉइंट पे क्या है कि 7th हाउस, अब आज चर्चा किसकी चल रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, और जो मैरिटल लाइफ थी उसको डिस्टर्ब कर दिया।
तो जो सेवंथ हाउस जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है वो वैवाहिक जीवन, गृहस्थ सुखों और पत्नी का है, जिसके लॉर्ड शनि बनकर तृतीय अशुभ भाव में, जहां पर 6 नंबर कन्या राशि में विराजमान है, पत्नी के अलावा अन्य महिलाओं से दाम्पत्य जीवन जैसे ही संबंध बना लेता है। सप्तम भाव में क्रूर ग्रह केतु विराजमान होने से गृहस्थ और दाम्पत्य जीवन में बाधक बनता है। केत छुड़ावे खेत, अभी पत्नी गई, अब वो जिस महिला के साथ आपके संबंध है वो भी जाने वाली है, तो ये केतु अपना काम पूरा कर रहा है। किसी अन्य महिला से संबंध के कारण ही पत्नी से लड़ाई झगड़े इन दोनों दोष के कारण होते हैं तथा पत्नी साथ रहना छोड़ देती है। वही केतु की नवमी दृष्टि शनि से बन रही है, 10 से लेकर 6 की तरफ एक एरो जा रहा है जो पत्नी को घर छोड़कर जाने के लिए विवश करता है। केतु से राहु की परिधि में आकर सभी ग्रह लगभग कालसर्प योग जैसा प्रभाव बना रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 होते हुए 4 तक देखिए, सारे ग्रह केतु से राहु के मध्य है। यह भी इंसान को जीवन में कई प्रकार के उतार और चढ़ाव देता है। बढ़ते आगे, जन्म राशि आपके सिंह है, 5 नंबर की राशि है, जिससे 26 जनवरी 2017 तक शनि की ढैया रहेगी। राहु में शुक्र की अंतरदशा भी इस वक्त आपको चल रही है। शांति बनाए रखें, शनि की ढैया समाप्त होते ही आपकी पत्नी घर लौट आएगी, लेकिन आपको वादा करना होगा कि भविष्य में पत्नी के साथ ऐसा धोखा आप नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि पत्नी की कुंडली क्या कहती है। इस वक्त मैं आपको उनकी वाइफ की कुंडली दिखा रहा हूं, जिससे और ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इनकी कुंडली देखिए, मीन लग्न की कुंडली है। लग्न लॉर्ड बनते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति, स्त्रियों के सौभाग्य के कारक होकर लाभ भाव में, लेकिन नीच राशि के विराजमान है, जहां 10 नंबर के विराजमान है, मकर राशि में जाते बृहस्पति डैमेज हो जाते हैं, जो कि वैवाहिक संबंध में तनाव देते हैं। आगे बढ़ते हैं, सातवें भाव गृहस्थ और पति सुखों के लॉर्ड, जहां पर 6 नंबर लिखे हुए कन्या राशि बुध बनते हैं, पंचम भाव में सूर्य और मंगल के साथ विराजमान होकर, देखिए सूर्य मंगल बुध 4 नंबर विराजमान है कर्क राशि में, पूर्ण अस्त और वक्री भी है। सप्तमेश बुध से शनि की दशम दृष्टि चल रही है, यानी जो आपको इस वक्त दृष्टि संबंध दिखाई दे रहा है वो शनि के साथ अष्टम भाव का संबंध भी जुड़ा हुआ है। अब 8th हाउस जो पति से सुख का होता है वहां पर क्या स्थिति बन रही है, देखिए शनि और केतु दोनों विराजमान है 7 नंबर तुला राशि में। अब ये पति से सुख को कमजोर कर देता, वही शनि केतु विराजमान होकर श्रापित दोष और पितृ दोष बना रहे हैं। और तो और, राहु शनि का जो दृष्टि संबंध है, 1 नंबर में राहु मेष राशि से और अष्टम भाव में शनि, ये देखिए राहु और शनि का दृष्टि संबंध इंसान के साथ धोखा ज्यादा करवाते हैं। पराए लोग तो छोड़िए, अपने ही लोग धोखा देने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति विवाह पश्चात पति से दूर रहने के लिए मजबूर कर देती है और सेपरेशन करने के काम करती हैं। मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी हजारों लाखों सैकड़ों कुछ लोगों से मिला हूं, जिनकी कुंडली में राहु शनि है, कोई संबंध है, उनको धोखा ना मिले जिंदगी में ये असंभव है, क्योंकि पैसा फंसना, नुकसान, धोखा, अपने ही लोग धोखा देते थे। तो अब आज की बातचीत का निष्कर्ष क्या निकलता है, पहले मैंने पति की कुंडली आपको बता दी कि किस वजह से ये सब चीज हुई, पत्नी की कुंडली बता दी उनको किस वजह से तकलीफ हुई। अब निष्कर्ष कहते हैं, सच्चाई को कितना भी नीचे क्यों ना दबा दिया जाए, सच आखिर ऊपर आ ही जाता है। आपकी पत्नी का नाराज होना जायज है। इस बात की कल्पना कीजिए कि अगर आपकी जगह आपकी पत्नी ने ऐसा किया होता तो क्या आप उसे स्वीकार करते। पति हमेशा, प्रभु श्री राम के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उनको ऐसा लगा कि मेरी पत्नी का रावण के साथ या किसी और के साथ संबंध था, तो उन दोनों को भी अलग होना पड़ा, आपको सब पता ही होगा स्टोरी। तो पुरुष सहन नहीं कर पाता है, स्त्री कैसे सहन करेगी। पत्नी तो हमें, हम सबको सीता चाहिए, परंतु हम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जैसा नहीं बन सकते हैं। इंसान अपने कर्मों का ही फल भोगता है, इसीलिए आप भी भोग रहे हैं। पत्नी को बनाने का प्रयास तब तक मत छोड़िएगा जब तक उन्हें आपके प्रयास में सच्चाई ना दिखे। और जिस महिला के साथ संबंध है उसे राजी खुशी हाथ जोड़कर जो भी आपकी इच्छा है वो करके उस चीज को खत्म करिए, अपने दाम्पत्य जीवन को वापस बसाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी में आगे भी ऐसी बहुत सारी मुसीबतें आने वाली है। कुछ उपाय इस वक्त करिए, जनवरी के बाद मुझसे पर्सनली मिलिए। क्या उपाय करने चाहिए, देखिए राहु केतु शनि की शांति करवाइए। दूसरा, सहस्त्र घट सुदर्शन, श्रापित दोष और दाम्पत्य जीवन के जो समस्या है उसकी विधि करवाइए। पितृ दोष निवारण की पूजा त्र्यंबकेश्वर में या फिर उज्जैन महाकाल में जरूर संपन्न कराइए। एक विशेष 4 शक्ति कवच बनता है जिसे गले में धारण करें, जिससे गलत कर्म करने से आप बचे रहेंगे। तो ये था इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण।
गुरुदेव सुरेश रिमाली जी से व्यक्तिगत मिलने के लिए संपर्क करें 26 जनवरी मुंबई 9324272446 9322377660 27 जनवरी मद्रास 28 जनवरी बैंगलोर 29 जनवरी हैदराबाद 02915190000 9314728165 3 से 5 फरवरी दिल्ली 6542-0685 6454-4625 जन्म कुंडली विश्लेषण। मेहनत को जब भाग्य का साथ मिल जाए तो यह स्थितियां पांचों उंगलियां घी में और सर कड़ाही में के समान हो जाती है, अर्थात इंसान सफलताओं के शिखर में विराजमान हो जाता है। कॉलेज तक का एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड के चलते विदेशों से कई नौकरियों के ऑफर आए, मानो माता पिता का तो जो सीना है वो गर्व से 56 इंच का हो गया। इसी क्योंकि माता पिता को बड़ी खुशी मिलती है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई करके एक अव्वल दर्जे की नौकरी मिल रही है, और नौकरी के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऑफर बहुत सारे आ रहे हैं, तो माता पिता क्यों नहीं खुश होंगे। इसी खुशी में सभी नाते रिश्तेदारों ने तथा जानने वालों को एक पार्टी दी गई और सभी ने बधाई और शुभकामनाएं दी। सभी ऑफर्स का गहराई से आकलन करने के बाद फैमिली मेंबर्स ने, क्योंकि ये पंजाबी कल्चर के लोग हैं, तो उन मेंबर्स के द्वारा यह डिसीजन लिया गया कि इस घर का बेटा न्यूयॉर्क वाले ऑप्शन को चुनेगा। इन्हें भारत छोड़े 20 साल से भी ज्यादा लंबा समय बीत चुका है, लेकिन इस दौरान माता पिता के आशीर्वाद से वंचित रहना पड़ा। पहले खूब संघर्ष किया, फिर ग्रीन कार्ड के लिए संघर्ष किया, फिर खुद का मकान, ये सब चीजें हम लोग सब करते ही रहते हैं अपनी जिंदगी में। इन्होंने भी यही किया, बीच में एक दो बार आए, एक दो बार माता पिता गए, इसी बीच इनकी शादी और 3 बच्चे भी हुए। आज जब ये उम्र के अपने 40वें पड़ाव पर है, इनके माता पिता भी वृद्ध हो चुके हैं और इस उम्र की सभी बीमारियों ने इन्हें घेर रखा है माता पिता को। इनकी पत्नी कहती है कि आपके माता पिता अगर हमारे पास आकर रहते हैं तो वो उनकी पूरी देखभाल और सेवा करेगी, खुद की जॉब छोड़ देगी, लेकिन इस बात से खुश नहीं है कि पति अपने करियर को छोड़ के माता पिता के इलाज करने के लिए परमानेंट भारत में जाकर बस जाए। वो ये कहती है कि हम यहाँ पर सेटल हैं, हमारे बच्चे यहाँ पर हुए हैं, हमने सब कुछ यहीं पर पाया है, हम माता पिता की सेवा तो जरूर करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम इंडिया जाकर सेवा करें ये मुझे मंजूर नहीं है। या तो इनके माता पिता इनके पास आकर रहें, उनकी इच्छा कम रहती है कि वो जाए न्यूयॉर्क जाकर रहे। अब मुझसे ये जानना चाह रहे हैं कि इनके लिए भारत आना करियर और फैमिली के लिए क्या सही रहेगा, और या फिर मैं US में ही रहूं और माता पिता के इलाज के लिए खर्चा भेजूं, कुछ भी जो हो सकता है आप जैसी सलाह देंगे वो मैं करूंगा। तो आइए जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं और जानते हैं इस धर्म संकट की स्थिति। एक तरफ करियर है, बीवी है, बच्चे हैं, वेल सेटल्ड लाइफ है न्यूयॉर्क में, एक तरफ माता पिता है जिनकी वजह से आज हम सब कुछ है, उनके आशीर्वाद से ही ये न्यूयॉर्क में आपने सारी चीजें पाई है, आज उनको आपकी जरूरत है, तो आप अपना सब कुछ छोड़कर क्या उनके पास जाएंगे या नहीं जाएंगे। आइए इससे हम जन्म कुंडली विश्लेषण के माध्यम से जानते हैं और देखते हैं क्या है इनके ग्रहों का खेल। इस वक्त ये कुंडली आपके सामने देखिए, 12 नंबर से कुंडली शुरू होती, लग्न में बृहस्पति विराजमान है, जिसे हम मीन लग्न की कुंडली कहते हैं। लग्नेश देवताओं के गुरु बृहस्पति स्वयं लग्न में विराजमान हो जाए तो किम कुर्वत सर्वे ग्रह, बाकी सारे प्लैनेट कितने ही खराब हो जाएं, वो अकेले बृहस्पति ही, क्योंकि एजुकेशन, धन कमाना, शादी और उसके खुद के बच्चे होना, चारों डिपार्टमेंट तो गुरु के पास है और गुरु को लग्न से बढ़िया कहीं नहीं माना गया है। अति सुंदर हंस योग भी बन रहा है इससे, जो इंसान को प्रसिद्धि देते हैं, एजुकेटेड बनाते हैं, वेल एजुकेटेड बनाते हैं, हायर एजुकेशन करवाते हैं। वही बृहस्पति से केंद्र भाव में जहां 4th हाउस है, देखिए चंद्रमंगल विराजमान है 3 नंबर मिथुन राशि में, ये शुभ ग्रह चंद्रमा विराजमान है गुरु से 4th जो बन गया गज केसरी योग। गज का मतलब है हाथी और केसरी का मतलब है सोना। पहले लोग हाथी घोड़े पर चलते थे, आज लग्जरी कार में घूम रहे, जो ये घूम रहे, गाड़ी, मकान, सुख सुविधाएं, कंफर्टेबल जिंदगी, सोचा उससे बेहतर जिंदगी, ये सब कुछ ये गज केसरी योग दे रहा है, जिससे इंसान नेक दिल,
मददगार, संस्कारवान और थोड़ा सा दयालु भी होता है। अपना फर्ज अदा करने में कभी पीछे नहीं हटते ऐसे लोग। इसी दो योगों से इंसान को शिक्षा, धन, विवाह और संस्कारी संतान भी मिली है। बढ़ते आगे, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, चंद्रमा के साथ धन और कुटुंब और भाग्य भाव के लॉर्ड मंगल विराजमान है। जहां एक नंबर लिखा उसके लॉर्ड और जहां पर आठ नंबर लिखा भाग्य स्थान और सेकंड हाउस जो धन का होता है, इन दोनों के लॉर्ड होकर चंद्रमा के साथ मंगल विराजमान है। हालांकि चंद्र मंगल दोनों ही अपने शत्रु बुध के घर में है, परंतु इन दोनों के मिलन से बना है महालक्ष्मी राजयोग। और महालक्ष्मी इन्होंने प्राप्त वैसे भी कर ली है, अर्थात भाग्य और मेहनत से धन कमाने का परस्पर तालमेल अच्छा सिद्ध हो रहा है। लेकिन माता के कारक रहे चंद्रमा माता के ही चतुर्थ भाव में कारक होकर विराजमान है, परंतु शत्रु राशि के, माता और मातृभूमि से दूर रहने के लिए विवश होना पड़ा। और चतुर्थेश या जो फोर्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं बुध के साथ, अष्टम भाव में राहु विराजमान है। देखिए जहां पर एट्थ हाउस है बुध और राहु विराजमान है सात नंबर में, ये जड़त्व दोष बनाते हैं। ऐसे लोग अपने माता से दूर रहकर भाग्य उन्नति होती है। अष्टम भाव में बुध दो बार व्यापार शुरू करवाकर बंद भी करवा देता है, तीसरे व्यापार में सफलता देता है। वहीं यह विराजमान राहु जीवन में तीन बड़ी घात देता है। एट्थ हाउस में राहु और केतु को सबसे खराब माना गया है। कई बार चोट लगना, एक्सीडेंट, दुर्घटना, किसी प्रकार का बहुत बड़ा भय इंसान को बना रहता है इस अष्टम राहु का। इसका इलाज अगर माता पिता जल्दी बचपन में कर लेते हैं तो ठीक रहता है। बढ़ते आगे, पिता के कारक ग्रह सूर्य दशमात दशम अर्थात सप्तम भाव में नीचारोही है। जहां छह नंबर लिखे हुए हैं ये टेंथ हाउस के कारक होकर अपने से टेंथ हाउस में चले गए और वो भी नीचारोही, नीच की तरफ जा रहे थे और ये पैदा हो गए। सूर्य से शनि की तीसरी दृष्टि संबंध है। देखिए फोर्थ माफ करेगा, जहां चार नंबर लिखा हुआ है कुंडली के फिफ्थ हाउस में, चार से लेकर छह की तरफ एक एरो जा रहा है। ये तीसरी दृष्टि पिता पर पुत्र की दृष्टि है, जिससे पिता से भी दूर रहना पड़ा। 19 वर्ष की शनि की दशा भी इस वक्त आपको चल रही है, तो कुल मिलाकर माता पिता से आपके दूर रहने का योग है। अब अगर आप माता पिता के साथ आकर रहते हैं तो क्या होगा, इस पर हम आगे विचार करेंगे। अब ये विदेश गए क्यों और क्या विदेश ही रहेंगे या भारत आने का योग है, ये देखते हैं। विदेश यात्रा के ट्वेल्थ हाउस पर, जहां पर 11 नंबर लिखे हुए हैं कुंडली का ट्वेल्थ हाउस होता है, उस पर एट्थ हाउस में विराजित राहु की पांचवी, सात से लेकर 11 की तरफ एक एरो जा रहा है। और सिक्स हाउस में विराजमान शुक्र की सातवीं दृष्टि ट्वेल्थ हाउस पर पड़ने से आपका विदेश में ही रहना लिखा हुआ है, परंतु गज केसरी योग के कारण बुजुर्ग अवस्था में इंसान वापस स्वदेश लौट आता है। पर आप तो अभी बुजुर्ग हुए नहीं है, तो इस कुंडली से क्या नजर आ रहा है, मैं एक तो आपके विदेश में ही रहने का योग है, शनि आपको भारत आने ही नहीं देगा, तो यह क्लियर है। मेरी पर्सनल इच्छा तो यह है कि आप अपने माता पिता के साथ रहिए, उनके अंतिम अवस्था में उनके जितनी सेवा हो सकते हैं करिए। और अगर आपकी किस्मत में लिखा है और आपका आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ है, तो वापस न्यूयॉर्क में सब कुछ हम पालेंगे, कोई हम सब कुछ खत्म करके तो आ नहीं रहे। लेकिन अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली देखूं तो आपके भारत आने के कोई योग नहीं है, आप वहीं आपके लिए रहना ठीक रहेगा और ये आने भी नहीं देगा। आने से आपको कई तरह के नुकसान और हो सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है, साफ कहना और सुखी रहना। मुझे पता है इसमें बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी होगी मेरे जो मैंने सलाह दी है, परंतु मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ग्रह स्वयं बोल रहे हैं। आपके बेटे का भारत आकर सेटल होने का कोई योग मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। ज्यादातर माता पिता 6 महीने US में और बाकी के 6 महीने इंडिया में रहते हैं। इसके दो कारण हैं, एक तो वहां जैसे 10 साल का आपको वीजा मिल गया, फिर भी आप जब US जाते हैं तो आपको 6 महीने की स्टैंप लगती है, जिससे आप 6 महीने वहां मैक्सिमम रह सकते हैं और 6 महीने आप टूरिस्ट की तरह उस वीजा पर रह सकते हैं। दूसरा, वहां सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, जिससे बुजुर्ग लोगों का वहां रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन्हीं के दिए गए संस्कार है जो बेटे में इनके अस्वस्थ होने पर 20 सालों तक न्यूयॉर्क जैसे शहर में वेल सेटल होने के बावजूद माता पिता की सेवा करने के लिए भारत आने का कदम उठा रहे हैं। माता पिता की सेवा, उनके आशीर्वाद और उनका हाथ हमारे सर पर हो तो भविष्य में कोई भी तकलीफ दूर हो जाती है और हमारी सारी राहें आसान हो जाती है। आप चिंता नहीं, चिंतन करिए। मेरी सलाह यही है कि आप माता पिता 6 महीने वहां रहें और बाकी 6 महीने भारत रहें। उसमें आप कोशिश करिए कि हर 3 महीने में 15 दिन की छुट्टी लेकर कोशिश करनी आपको। अब आप इसको कैसे मैनेज करते हैं आपको करना है, ताकि आप आते जाते भी रहें और माता पिता से मिलन भी होता रहे। वेल एक केयर टेकर रखिए ताकि आप वहीं सेटल रहें
और माता पिता की सेवा भी होते रहे, आते जाते रहें, ये ही आपको ऑप्शन चुनना होगा। इसमें सिर्फ एक ही आपका वीक पॉइंट है, वो है खर्चा ज़्यादा होगा आपका, और खर्चा तो फिर कमाया जा सकता है, माँ बाप वापस नहीं लाए जा सकते हैं दोस्त। कुछ उपाय जो आप सबके लिए ठीक रहेंगे। माता पिता दोनों को अमोघ महामृत्युंजय कवच गले में धारण करवाइए। रविवार के दिन 3 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं तथा दक्षिणा प्रदान करें। लगातार 8 बुधवार 8 पीपल के पेड़ किसी मंदिर अथवा सार्वजनिक स्थान पर लगाइए। शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन गौशाला तथा जहां गायों को पानी पीने का स्थान हो उसमें जल भरवाने की व्यवस्था करें। 1.25 किलो के पारदेश्वर शिवलिंग पर अभिषेक करिए। रोगनाशक प्रयोग माता पिता के लिए करिए या फिर ये सारी चीजें माता पिता के लिए करवाइए तो ठीक रहेगा। तो ये था इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण। यदि आप भी ऐसी या किसी और प्रकार की तकलीफ से गुजर रहे हैं तो मैं करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान। इसके लिए आपको जोधपुर हमारे कार्यालय में संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल करनी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। सभी माता पिता की इच्छा होती है कि उनकी संतान उच्च शिक्षा प्राप्त कर श्रेष्ठ जीवन यापन करे। अमीर हो या गरीब, हर कोई अपने तरीके से बच्चे को पूर्ण रूप से शिक्षा दिलवाने के लिए कोशिश करते हैं, परंतु मेहनत के साथ साथ किस्मत का होना भी जरूरी है, क्योंकि हमारा संपूर्ण जीवन नवग्रह एवं 12 राशियों पर आधारित है। शनि ऐसा क्रूर ग्रह है जो बच्चों की शिक्षा प्राप्ति में अकारण बाधा एवं परेशानी पैदा करता है। यदि शनि प्रतिकूल स्थिति में है तो अनेक प्रकार के विलंबन उत्पन्न करता है। आत्मविश्वास में कमी, स्मरण शक्ति की कमी, एकाग्र चित्त की कमी, पढ़ाई में मन नहीं लगना, सब कुछ आते हुए भी परीक्षा स्थल पर भूल जाना या फिर भरपूर मेहनत के उपरांत भी यथेष्ट फल की प्राप्ति न हो पाना, यह सारी स्थितियाँ यदि आपके बच्चे में भी नजर आती हैं, तो हमारे पास है आगामी 1 फरवरी 2017 को माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के महा अवसर पर आप सभी के पास है स्वर्णिम अवसर माँ सरस्वती का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करने का, क्योंकि इस महा अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी के सानिध्य में आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों ने निर्माण किया है सर्व विद्या प्रदायक सरस्वती पूजन साधना का। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291-519-0000, 243-2625, 9829-0266-25।